हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब लोग अच्छे हैं? सबका इंग्लिश कंप्लीट हो रहा है? सभी लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है? मैं आप सबको चैप्टर नंबर 7 यूनिटी इज स्ट्रेंथ पढ़ाया था, इसका एक्सरसाइज पढ़ा दिया था, करा दिया था सब कुछ। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 8 पढ़ेंगे, द मंगूज एंड द चाइल्ड, नेवला और बच्चा। ठीक है, नेवले और बच्चे की कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, शंकर एंड पार्वती लिव्ड इन अ हट इन अ विलेज। शंकर और पार्वती एक गांव में एक झोपड़ी में रहते थे। दे हैड अ लिटिल सन गणेश, उनका एक छोटा बेटा गणेश था। दे केप्ट अ मंगूज एज अ पेट, उन्होंने एक नेवले को पाल रखा था। गणेश एंड मंगूज वेयर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, गणेश और नेवला एक दूसरे को बहुत पसंद थे या शौकीन थे। वन डे, एक दिन शंकर एंड पार्वती हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क, शंकर और पार्वती को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। दे लेफ्ट दियर सन गणेश इन द प्रोटेक्शन ऑफ द मंगूस, उन्होंने अपने बेटे गणेश को नेवले के संरक्षण में यानी नेवले के सुरक्षा में रख दिया। गणेश वाज फास्ट अस्लीप इन हिज क्रैडल, गणेश अपने पालने में सो रहा था। द मंगूस वाज सीटिंग बाय द क्रैडल टू प्रोटेक्ट गणेश फ्रॉम एनी हार्म, किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए नेवला पालने के पास बैठा था। सडनली इट सा अ स्नेक क्रीपिंग टूवर्ड गणेश, अचानक उसने एक सांप को गणेश की ओर आते देखा या देखा। इट जम्प्ड अप एंड कॉट द स्नेक स्नेक, और वह उछल कर सांप की गर्दन पकड़ लिया। देयर वॉज अ फियर्स फाइट बिटवीन द मंगूज एंड द स्नैक, नेवले और सांप के बीच भयंकर लड़ाई हुई। एट लास्ट द मंगूस किल्ड द स्नैक, और अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। आफ्टर सम टाइम्स द मंगूस सा पार्वती कमिंग टूवर्ड्स द हट, कुछ समय बाद नेवले ने पार्वती को झोपड़ी की तरफ आते हुए देखा। इट रैन टू द इंट्रेंस टू ग्रीट हर, वह अभिवादन के लिए प्रवेश द्वार पर पहुंच गया यानी कि घर के दरवाजे के पास गया। आगे देखते हैं, देयर वेयर मार्क्स ऑफ ब्लड ऑन द माउथ एंड पॉज ऑफ द पेट, नेवले के मुंह और पंजे पर खून के निशान थे। पार्वती सा देम, पार्वती ने देखा। सी फियर्ड दैट इट हैड किल्ड हर बिलव्ड सन, वह डर गई कि इसने उसके प्यारी बेटी को मार डाला। सी वॉज वाइल्ड विथ एंगर, वह बहुत गुस्सा हो गई। सी पिक्ड अप अ स्टिक एंड रैंड हैवी ब्लोज ऑन द पुअर एनिमल, उसने एक छड़ी उठाई और बेचारे नेवले पर भारी प्रहार किया, बहुत तेज उसे मारा। द मंगूज डेड देन एंड देयर, नेवला वहीं तुरंत मर गया। देन सी रैन इन टू द इनर रूम, सी सॉ हर सन गणेश सेफ एंड साउंड। देन सी रैन इन टू द इनर रूम, फिर वह भीतर कमरे में भागी। सी सॉ हर सन गणेश सेफ एंड साउंड, और उसने अपने बेटे गणेश को सुरक्षित और स्वस्थ स्वस्थ देखा। सी वॉज हैप्पी टू सी हिम, वह उसे देखकर खुश हो गई। सी आल्सो सा द डेड स्नेक, और उसने मरा हुआ सांप भी देखा। नाउ सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सी हैड किल्ड द इनोसेंट एंड फैथफुल एनिमल दैट
हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ हर सन, उसने उस निर्दोष और वफादार जानवर को मार डाला था जिसने उसके बेटे की जान बचाई थी। शी वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी थी। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये आप सबका स्टोरी था, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का स्टोरी था। और इसे आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा, इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।